अपनी बात YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और हम चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि 2019 सत्र का जो बेंच रहा बीएड वालों का, जब से हम लोगों का प्रवेश हुआ है तब से मात्र 3 से 5 महीने तक ही क्लास चल पाए और उस क्लास के बीच में कितनी तैयारी हम लोगों की हो जाएगी, पाठ्यक्रम भी नहीं पूरा हो पाया, बीच में COVID-19 का संक्रमण भी आ गया जिसके चलते स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए कुलपति महोदय के आदेश पर, सरकार के आदेश पर, और इस बीच हम लोगों की तैयारी तो कोई हो नहीं पाई। और उसके बाद फिर अब जाके कॉलेज खुले तो पता चला एकाएक अचानक में कि 28/10/2020 से हम लोगों का एग्जाम। तो दोस्तों आज 18/10/2020 है, 10 दिन का अभी समय है। अगर आप लोग चाहें हमारा साथ दें तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे डेट थोड़ा सा पोस्टपोन हो सके, थोड़ा सा 2-3 महीने टल जाए, जिससे हम लोगों को तैयारी करने का मौका भी मिल जाए। अभी मार्केट में जाएं तो सीरीज भी नहीं मिल रही और तो और देखिए बाकी अन्य यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे पूर्वांचल को ले लीजिए आप, वो लोग अपने बच्चों को प्रमोट भी कर चुके हैं। तो दोस्तों हम अनुराग पांडे अम्बेडकर नगर से हैं, हमारे अम्बेडकर नगर के जितने भी छात्र स्टूडेंट हैं बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित, उनसे हमारी बात हुई तो वो लोग हमको बोले हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चलिए। तो हम लोगों ने ये ठाना है कि कल दिनांक 19/10/2020 को जिलाधिकारी महोदय को एक हम ज्ञापन देंगे, जो ज्ञापन वो कुलपति महोदय तक पहुँचाएंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि दोस्तों आप भी जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं अवध यूनिवर्सिटी के, आप लोग भी अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दीजिए और उनसे कहिए कि हमारी बात आप कुलपति महोदय तक पहुंचाएं। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, और दोस्तों जैसा कि अगर एग्जाम हो भी जाता है तो जो बच्चे प्रमोट हुए हैं आप बीए सेकेंड ईयर का ले लीजिए, तो जिन बच्चों का पेपर हो गया होली के पहले उन बच्चों के नंबर 350 के अंदर हैं, और जिन बच्चों को एक एक दो दो पेपर दे के प्रमोट कर दिया गया उन बच्चों का नंबर मिला लीजिए आप 540, 545, 547, 548 ऐसे करके नंबर है। तो दोस्तों हम लोगों का एग्जाम तुरंत में जल्दी में हो जाता है, अचानक में हो जाता है, तो हम लोग मेरिट में कभी नहीं आएंगे। हम ये चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी हो सकती है मेरिट पे वैकेंसी आने लगे, फिर मेरिट बनना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग सबसे डाउन रहेंगे। दोस्तों आप लोगों को करना है ये चीज करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दीजिए। हम लोग तो कल जा रहे हैं और हमारे जितने अम्बेडकर नगर के साथी हैं जो छूटे हैं भूले भटके हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि कल आए, हमारे साथ खड़े हों, हमको साहस प्रदान करें और हम लोग एक डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आप लोग भी जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं अपने जिले में छात्रों को इकट्ठा करके ज्ञापन दीजिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।